गंगा जमुना तहजीब समेटे हुए कानपुर महानगर वैसे तो पर्यटक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी बिठूर है, जहां पर सीताराम से जुड़े तमाम रोचक प्रसंग सुनने को मिलते हैं। लेकिन अब पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने इसमें 4 चांद लगाने का काम किया है। मोती झील में बने इस तुलसी उपवन में लेजर लाइट और साउंड के जरिए दर्शकों को त्रेता युग के दर्शन कराए जाएंगे। पर्यटन विभाग और केंद्र सरकार तुलसी उपवन एक बड़ा सा कैंपस है यहाँ पे कानपुर में, आप सब लोग जानते होंगे। इसका तरह तरह से विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो, ध्वनि एवं प्रकाश शो का प्रपोजल बहुत पहले से भेजा था और उसकी स्वीकृति मिल गई है। वो दिल्ली से फाइनेंस किया जा रहा है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। उसके तहत यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपन थिएटर बनाया हुआ है जो रामायण बेस्ड थीम पार्क की तरह है। इसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित तरह तरह दोनों वाइज में करके तुलसी जी के जीवन का जो स्क्रिप्ट हमारी कमेटी ने अप्रूव किया है उसकी प्रस्तुति होगी, जिसके माध्यम से हमारे नागरिक जनपद कानपुर नगर के और बाहर से आने वाले पर्यटक तुलसी जी के जीवन के विषय में एक बहुत ही रोचक और आकर्षक तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और पूरी उम्मीद है कि उससे उनका पूरा मनोरंजन होगा। ये पूरा तो अभी हमारे यहाँ 2020 जून में ही हो जाना था, लेकिन क्योंकि कुछ तो ये तकनीकी चीज़ें होती है इसमें थोड़ा समय लग जाता है, प्लस ये लॉकडाउन की वजह से ये COVID-19 के संकट को देखते हुए कार्यदायी संस्था ने समय से काम करने में कुछ व्यवधान महसूस किया तो उन्होंने और अधिक समय हमसे मांगा, जिसके तहत हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर 2020 तक ये कम्प्लीट हो जाए और हैंड ओवर हो सके। कानपुर के मोती झील स्थित तुलसी उपवन अब शहर वासियों को त्रेता युग से रूबरू कराएगा। संस्कृति प्रेमियों को ख्वाबों को दिसंबर में आयाम मिल जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहले रामायण थीम पार्क और लेजर लाइट शो के जरिए त्रेता युग के जीवान दर्शन कराए जाएंगे। तुलसी उपवन पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बन जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय स्वदेश दर्शन योजना के तहत लगभग 5.5 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी। कार्यदायी संस्था नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2018 में काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा हो पाता इससे पहले कोरोना संक्रमण फैल गया था, लेकिन अब इसको रफ्तार दिया जा चुका है, जिससे शहर वासियों को पहले थीम पार्क का तोहफा मिल चुका है। त्रेता युग के जीवान दर्शन कराने की स्क्रिप्ट पूरी हो गई है। थीम पार्क में तुलसीदास की रचनाएं, दोहे, रामायण के प्रमुख पात्र श्री राम, सीता का विवाह, वनवास सहित रामायण के अलौकिक परिस्थितियों को दिखाया जाएगा। इसमें दोहावली, कवितावली, पार्वती, मंगल, लाइट एंड शो के माध्यम से प्रचारित होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।